सोलन में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 4 से अपने प्रत्याशी किरण कुमारी का नामांकन करवा ही दिया। काफी समय से कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन कांग्रेस ने अपना पत्ता अंतिम दिन खोल ही दिया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद के साथ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन करवाने पहुंचे। नामांकन के माध्यम से कांग्रेस ने बाहरी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। सोलन में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 4 से अपने प्रत्याशी किरण कुमारी का नामांकन करवा दिया है। काफी समय से कई नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था, लेकिन कांग्रेस ने अपना पत्ता अंतिम दिन खोल ही दिया। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद के साथ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन करवाने पहुंचे। नामांकन के माध्यम से कांग्रेस ने भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां ज्यादातर कांग्रेस समर्थित पार्षद ही रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा समर्थित स्वाति भी मैदान में है। पिछले चुनावों में वह दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार वह किरण कुमारी को कितनी टक्कर दे पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है और रेखा के मैदान में उतरने से मुकाबले का त्रिकोणीय हो गया है। इस चुनाव को जीतना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि हवा का रुख किस ओर होता है। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि पहले भी इस वार्ड में कांग्रेस समर्थित पार्षद राजीव ठाकुर ने यहां विकास की गाथा लिख चुके हैं, जिसे आज तक वार्ड नंबर 4 के मतदाता भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब उनकी पार्टी ने किरण कुमारी को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं बाढ़ की सड़कें ठीक करवाना और पानी की उचित व्यवस्था कर साफ सफाई का उचित प्रबंध करना है, ताकि किसी को भी किसी तरह की असुविधा ना हो और वार्ड नंबर 4 आदर्श वार्ड नंबर बनकर शहर में उभरे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वार्ड नंबर 4 में उपचुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो हमारी प्रत्याशी हैं किरण हैं, जो आज जिन्होंने नॉमिनेशन भरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जो किरण हैं ये पहले भी जो है कई तरह के जो सहायता समूह हैं उनसे जुड़ी हैं और इन्होंने महिलाओं के लिए भी ये कार्यरत रही हैं। और सबसे बड़ी बात हमारे बीच में ये है कि राजीव ठाकुर जी जो कि वहाँ पे पूर्व पार्षद भी रहे हैं, उन्होंने विकास की जो गंगा उस वार्ड में बहाई है उसका उदाहरण आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज तक भी वहां के लोग जो हैं वो राजीव ठाकुर जी के कामों को याद करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो काम इन्होंने किए हैं उन कामों को देखते हुए वहां की जो जनता है वो आगे किरण जी को भी मदद करेंगी, क्योंकि राजीव जी की सुपरवाइजेशन के अंदर ही किरण जी ये चुनाव लड़ भी रही हैं और आने वाले कार्य भी करेंगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, हमें बहुत खुशी है हमारी बड़ी बहन वीना जी जो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और बहुत अच्छे मत जो है उन्होंने इस वार्ड नंबर से लिए थे, इस बार इनका पूरा समर्थन जो है किरण के साथ है, तो हम इनका भी शुक्रिया करते हैं जो इन्होंने हमें समर्थन दिया। और वीना के समर्थन और राजीव ठाकुर जी के कार्यों और कांग्रेस की नीतियों के बलबूते मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मतों से जो है वार्ड नंबर 4 के अंदर विजय होगी और 17 तारीख को जो है किरण पार्षद के रूप में सोलन वासियों के सामने होगी। हमारा मेन मुद्दा जो वार्ड नंबर 4 के अंदर है वो सफाई व्यवस्था को ठीक करना और कच्ची सड़कों को पक्का करना, जहां पर जरूरत है वहां पर डंगों को लगाना, और साथ ही साथ जितनी भी समस्याएं हैं मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से मैं किरण जी से मिला हूं, किरण जी जिस तरह से संगठन के अंदर भी कार्यरत रहती हैं, हमारी कार्यकर्ता हैं, पूरी फैमिली जो इनकी है वो कांग्रेसी है, हमें पूरा विश्वास है कि जो भी वार्ड नंबर 4 की समस्याएं होंगी किरण उसे लोगों के सामने या प्रशासन के सामने उठाने में पूर्ण तरह कारगर साबित होंगी। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा को गिरते हुए कहा कि भाजपा ने वार्ड नंबर 4 में विकास नहीं किया बल्कि विकास के कार्यों में अडंगे ही अटकाए हैं। उन्होंने कहा कि आज समूचे सोलन में सभी विकास के कार्य ठप पड़े हैं, पार्किंगों का निर्माण नहीं हो पाया है, फुटपाथ तक नहीं बने हैं, नालियों को ढकने का कार्य नगर परिषद नहीं कर पाई है, इसलिए अब सोलन की जनता जान चुकी है कि वह चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देगी और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी जेर होगी। और ये जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा वाले करते हैं कि हम ये सीट ऐसे कर देंगे, हम जीत लेंगे, ये करेंगे, मैं समझता हूँ जनता इस चुनाव में उनसे जवाब मांगेगी। हमारे वार्ड नंबर 4 में जब तक 2-3 कामों को छोड़कर कोई किसी तरह के काम किए नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस समर्पित थी जो पहले जीती थी और बाद में किन्हीं कारणों से इन्होंने उसको भाजपा में हाईजैक कर लिया था, लेकिन वो मन से कांग्रेस में ही थी,
तो बाद में ये भी समझते थे कि कांग्रेस के है तो ये उसके उनके कामों में भी अड़ंगे अड़ाते थे और विकास के सारे काम इन्होंने रोक रखे थे। और ऐसे भी आप पूरे अगर सोलन क्षेत्र में देखें, सोलन शहर में देखें, तो किसी तरह के काम कोई हो नहीं रहे। जो हमारे कांग्रेस कार्यकाल में जो काम थे, जैसे फुटपाथ बनना था चंबा घाट के लिए और पेंशनर्स के लिए जो है वो पेंशनर और दूसरे लोगों के लिए जो बाजार में साइडों में जो रोड बनने थे वो अभी तक नहीं बने, और जो पार्किंग की सुविधा है वो कोई नहीं अभी तक कंप्लीट की गई। तो ये खाली बातें बातें करके और खाली लोगों को दूसरे मुद्दों में उलझाकर जो है वो वोट लेना यहाँ चाहते, और इस दफा ये इस मामले में कामयाब नहीं होंगे। जनता जो है वो समझ चुकी है, जनता जानती है, जनता का जो समर्थन है वो जनता का समर्थन उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने काम किया। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे इन गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।